हम लोग स्कूल में, हमारा एडमिशन हो चुका है स्कूल में, हम आना शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या अभी कभी सोचा आपने कि हम पढ़ते लिखते क्यों हैं? हमें फर्स्ट क्यों आना है? क्यों आना फर्स्ट हमें? हमें पढ़ना लिखना क्यों है? क्यों हमें टॉपर बनना है? फर्स्ट क्यों आना है? हम पढ़ते लिखते क्यों हैं? हमें पास क्यों होना है? हमें पैसे क्यों कमाने हैं? सोचो, हम पढ़ते लिखते क्यों हैं? हमें पास क्यों होना है? कई बार हमारे मन में विचार आता है कि हमें इतना पढ़ना है कि हमें फर्स्ट आना, टॉपर बनना है। क्यों? कई बार हमारे माइंड में चलता है कि उसको मेडल मिला, मुझे भी मिलना चाहिए। क्यों आता है? हमें पैसे क्यों कमाने? 2 मिनट आपके पास टाइम है, सोचो सोचो। आप हल्का सा डिस्कशन अपने पड़ोसी के साथ भी कर सकते हैं कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, हम फर्स्ट क्यों आना चाहते हैं, हम पास क्यों होना चाहते हैं, हम टॉपर क्यों बनना चाहते हैं, मेडल क्यों चाहिए हमें, पैसे क्यों कमाने हैं। सोचो और डिस्कस करो अपने आपस में। सर जी, हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि हम इंडिपेंडेंट रहें, हमें पढ़ना आए, सब कुछ, सब चीज़ की नॉलेज हो। अगर कोई हमसे कुछ पूछे तो हम उसे बता पाएँ, और हमें कोई ऐसा ना कह सके कि ये तो कमार है, पढ़ा लिखा नहीं है। और इस ये एक और कारण है, हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि जब हम लोग नौकरी करते हैं या फिर कोई ड्यूटी करते हैं, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। और नहीं पढ़े तो जैसे इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, दूसरे पर डिपेंड रहेंगे उसके लिए, और अपना खर्चा खुद चलाएंगे। अगर हम पढ़ेंगे, ड्यूटी करेंगे तो अपना खर्चा खुद चला पाएंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमेशा किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हाँ जी सर, हम पढ़ते इसलिए हैं कि कभी अगर हमारे माता पिता या किसी को कुछ, या तो हम जॉब करें और उनको अगर हमारे पैसे की ज़रूरत हो तो हम उनकी मदद कर सकें और अपने आप को अपने पैसे से चलाएं, या फिर उससे ज़्यादा हमारे माता पिता हमें अच्छा समझते हैं। ओके है सर। सर हम टॉप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें सब लोग जाने और हमारी जो इमेज थोड़ी हमारे यहाँ सबसे ऊपर है, हमें लोग जाने, हमारी इमेज अच्छी बने लोगों के नज़र में। और जब जॉब करें हम तो सब उसमें पूछते हैं, सवाल पूछते हैं जॉब में, और उसमें बहुत बनना लिखना चाहिए, इससे उससे अच्छी जॉब मिलती है। जॉब के लिए हम पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें कहीं कहीं नौकरी मिल जाए, हमारे फैमिली वालों का हेल्प हो जाए, नौकरी मिल जाए। ओके, पैसे क्यों कमाते हैं हम? हाँ जी सर, हम पैसे इसलिए कमाते हैं ताकि हमें ना दूसरों से ना मांगना पड़े। सर हम इसलिए पढ़ते हैं कि पापा का नाम रोशन करें, कुछ बन सके। पापा मम्मी का नाम रोशन करना है। ओके, आप सर मैं पढ़ाई पर हम पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ, और मेरे घर में दीदी उनको हर चीज की मदद मिलता है पढ़ाई में, खेल में, तो मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। और जिस दिन मैं डॉक्टर बनूंगी उस दिन मैं फ्री में सबका इलाज करूंगी, फ्री में सबका इलाज करूंगी जिस दिन डॉक्टर बनूंगी। वाओ, यस। पढ़ते इसलिए है ताकि हम अपना नाम, मतलब घर वालों का और क्लास टीचर का नाम रोशन कर सके, कोई हमसे कुछ पूछे तो हम उसका आंसर दे सके। और पैसे इसलिए कमाते हैं ताकि हम कुछ कर सके लोगों के लिए, और हम किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए पैसे कमाते हैं। ओके, लोगों के लिए करना है कि अपने लिए करना है? सर लोगों के लिए, लोगों के लिए करना है, पैसे कमा के लोगों के लिए करना है। हाँ जी सर, हम पढ़ते इसलिए ताकि हम अपने लाइफ में कुछ कर सके, कुछ बन सके। पैसे क्यों कमाते हैं? सर ताकि हम अपना जो घर बार है खुद बना सके, अपने माँ बाप को, जोर से बोलो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। ओके,
इसलिए कमाते हैं ताकि हम खा सके फिर, ताकि हम खा सके। इसलिए आप क्यों पैसे कमाना चाहोगे? पैसे हम इसलिए कमाना चाहेंगे ताकि हम आपकी मदद कर सके। बोलो। मम्मी पापा की मदद कर सके। मम्मी पापा की मदद कर सके। सर जी, हम कमाते इसलिए हैं ताकि हम आगे के लिए मतलब अपनी जरूरतमंद हम खुद पूरी कर सके, किसी से मांगना ना पड़े। किसी से मांगना ना पड़े। टॉपर क्यों बनना है? टॉपर हमें इसलिए बनना है क्योंकि सर हम किसी को देखते हैं तो हमें बुरा लगता है कि हम पीछे रह गए, इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी आगे जाएं। मेडल इसीलिए चाहिए? यस सर, हम अपने पैरों पर खुद खड़े हों। पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि हम पैसे कमा के दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा की मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद करनी है, मम्मी पापा की मदद करनी है। पैसे इसलिए कमाना चाहते हैं और हम पढ़ना भी इसलिए चाहते हैं ताकि जब हम बड़े हो जाए तो फिर हम बच्चों को फ्री ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, तो फिर वो आगे जाके जब कहीं और पढ़ेंगे तो हमारा नाम होगा। पैसों की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। मतलब सर, हम पैसे कमाएंगे तो हम ट्यूशन खोल सकते हैं ना, अपने घर पे फ्री में खोल सकते हैं। तो हम पढ़ाए तो फिर आगे जाके हमारा नाम होगा कि हाँ, मुझे उन्होंने पढ़ाया था, पहले उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया। पैसे क्यों कमाएंगे? सर, हम अब चाहे तो वो खैराती दवाखाना भी खोल सकते हैं, उसमें हम लोगों का इलाज कर सकते हैं। खैराती दवाखाना खोल के फ्री में इलाज करेंगे। हाँ जी, क्यों टॉपर बनना है आपको? सर, हम टॉपर इसलिए बनना चाहते हैं कि स्कूल में हमारी क्लास टीचर और हमारे मम्मी पापा, इन सब का नाम रोशन हो। अगर हम अपने घर के पास जाएँ तो वो लोग बोलें, देखो ये अपने स्कूल में टॉपर बनी है। अच्छा, टॉपर बनना ताकि गली में हमारा नाम हो। ओके, पैसे क्यों कमाने हैं? सर, हम इसलिए कमाते हैं, सर हम पे हर कुछ जो जैसे कि दूसरे लोगों पे हम समान है पर हम पे नहीं है। हम पे पैसा हो जाएंगे तो हम भी ले लेंगे, हम भी सारी सुविधा हो जाएगी और हमें दे भी सकते हैं ज़रूरतमंद को, खाना दे सकते हैं, सामान दे सकते हैं खाने पीने का। और वैसे उन्हें पैसे देंगे तो वो फालतू के लुटाएंगे, हम उन्हें खाना दे देंगे खुद ही पैसा लेके, और हम पे भी सुविधा रहेगी और उन पे भी रहेगी। जी, सबसे पहले हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें नॉलेज होगी तभी हम कुछ कर सकेंगे अपनी लाइफ में, और नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई हमें ऐसा कह ना सके कि हम वो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर कोई नीचा ना दिखा सके। और सबसे पहले टॉपर क्यों बनना है? क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ने से कुछ नहीं होता, अगर हम अच्छा पढ़ेंगे, सबसे अच्छा पढ़ेंगे तो टॉपर तो अपने आप ही बन जाएंगे। टॉपर बनने के लिए कुछ करना नहीं है, बस पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और तीसरी बात कि हमें ड्यूटी पैसे क्यों कमाने हैं? पैसे इसलिए कमाने हैं ताकि हम इंडिपेंडेंट रहें, किसी पे निर्भर ना रहें, अपनी जो फैमिली है उसको चला सकें, किसी से पैसे ना मांगने पड़ें, अपने आप खुद चलें और कोई ऐसा ना कर सके कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकती हैं, हमारी मतलब किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और हमें कुछ बन सकें इसलिए हमारा नाम हो, इसलिए हमें मेडल चाहिए, और सब हमें पहचान सके, लोग हमें पहचान सके, इसलिए हमें मेडल चाहिए। पैसे क्यों कमाने हैं? सर, हमें पैसे इसके लिए कमाने हैं जो हमारे पहले हमारे मम्मी पापा हमको खिला रहे हैं, अब हम खिलाएंगे अपने मम्मी पापा को, हमको अच्छी सी जॉब मिलेगी। इसलिए पैसे कमाने हैं? नहीं सर, हमें जॉब मिलेगी जो हमें जो पैसे मिलेंगे उनसे अपने मम्मी पापा की हेल्प करेंगे, जो मम्मी का जरूरी सामान लेके आएंगे जैसे खाने पीने का। किसी को चोट लगी हो तो आपने कभी किसी की मदद की? किसकी मदद की आपने, कब किया? हम परसों घर पे जा रहे थे, अपने जो एक आंटी थी उनके ना कांटा चुभ गया था, तो ना एक साइड में बैठी थी तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, तो हमारे पास रुमाल था तो हमने उनको दे दिया था। आंटी को जानती थी आप? नहीं जानती, फिर भी आपने आंटी की मदद की। हम ना एक आंटी मिली थी रास्ते में, तो ना उनके बच्चे की चोट लग गई थी यहाँ पे, तो वो पूछती थी बेटा डॉक्टर साहब का घर का, मैंने उनकी मदद करी थी डॉक्टर साहब के यहाँ पे दुकान पे छोड़कर। क्या करने के लिए?
कि पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब का वो कहाँ है, मतलब जो हॉस्पिटल होता है वो कहाँ पे है। तो मैंने बोला था कि आंटी जी साइड जाओगे ना तो राइट साइड तुम्हारे पे ही है, तो मैं छोड़ के आई थी, तो आंटी ने बोला कि थैंक यू बेटा। ओके। गली में निशु नाम की एक लड़की रहती है, वो भी इस स्कूल में पढ़ती है। उसके वो ना जल गई थी, तो हमने उसके जले पे नमक डाल के फिर हमने उसकी सिकाई की। जले में नमक डाल दिया, सर जलता है तो उसके बाद नमक ही लगाता है तो उसे ठीक हो जाता है। अच्छा, मुहावरा भी है ना, जले में नमक छिड़क। रास्ते में जा रही थी, एक आंटी थी, वो उसका ना गुड़िया गिर गया, फिर उठा गई थी, आंटी बोली थैंक यू। गुड़िया गिर गया, वेलकम बोला पक्का। आपको आइसक्रीम तोहफा गिफ्ट क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? नूरी बता रही, आपको आइसक्रीम क्यों चाहिए? सर क्योंकि अच्छा लगता है हमें। अच्छा लगता है। गिफ्ट क्यों चाहिए? गिफ्ट हमें खुशी होती है, कोई देता है तो खुशी होती है। आपको गिफ्ट क्यों चाहिए? सर अच्छा लगता है। आइसक्रीम? आइसक्रीम खाने से खुशी होती है। करेला चाहिए? नो सर। करेला नहीं चाहिए? नो सर। करेला क्यों नहीं चाहिए? मटर पनीर चाहिए सर, वो हमें अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा लगता है सर? करेला हमें अच्छा नहीं लगता। और मटर पनीर सर अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। क्यों चाहिए? क्योंकि अच्छा लगता है। यस सर।